सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको बताएंगे चुड़ैल के बारे में। यानी किसी व्यक्ति को यदि चुड़ैल से पीड़ा हो या चुड़ैल से उसको दिक्कत हो रही हो या चुड़ैल उसको पकड़े हुए हो या उसके शरीर में चुड़ैल का वास हो या चुड़ैल से वह पीड़ित हो, तो उस बारे में आपको बताएंगे क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको चुड़ैल ने पकड़ रखा है या चुड़ैल से आप पीड़ित हैं, आपके घर में चुड़ैल है। तो इसको सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको चुड़ैल ने पकड़ा है या किसी और निगेटिव एनर्जी ने पकड़ रखा है। तो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक एनर्जी होती है। जब कोई महिला या लड़की अपने जीवन में, अपने युवावस्था में किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई होती है और या किसी और कारण से किसी प्रेत आदि दोषों से मर गई होती है, तो वह चुड़ैल को प्राप्त होती है, चुड़ैल योनि को। और इस योनि में जाने के बाद उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हो जाती हैं, जिससे वह व्यक्ति को तरह तरह से परेशानियां देने में सक्षम होती है। यह बहुत ही खतरनाक एनर्जी होती है। एक बार अगर किसी के जीवन में लग जाती है ऐसी एनर्जी, तो उसके जीवन में एकदम परेशानियाँ आ जाती हैं, बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं और वह फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है, तरह तरह इधर उधर भटकता है, लेकिन जल्दी सही नहीं हो पाता, क्योंकि यह बहुत ही एकदम डेंजरस एनर्जी होती है। तो मैं कुछ लक्षण बताऊंगा आपको, जिससे आप जान सकते हैं सामान्य लक्षण कि आपको कहीं चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ रखा है। इन लक्षणों को आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए आपको, जिससे हमारे आने वाली संपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो पहले सपने के माध्यम से चुड़ैल कैसे आपको सपने देती है उसके बारे में जान लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि और भी क्या क्या सिम्टम्स हैं चुड़ैल के। तो चुड़ैल जो है, अगर आपको स्वप्न में बार बार, एक बार नहीं बार बार, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन या लगातार महीने में 10 दिन, 15 दिन या 4 बार, 5 बार अगर कोई महिला पीरियड्स में दिखे कि उसको पीरियड्स आया हो और आपको उसके रक्त दिखें और आपको समझ में आए कि उसको पीरियड आया हुआ है, आपके बहन के रूप में दिख सकती है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में दिख सकती है, तो आप समझ जाइए कि आपको चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है स्वप्न के माध्यम से और आपके जीवन में चुड़ैल का प्रभाव है। और दूसरा, अगर आपके साथ स्वप्न दोष हो रहा हो, बार बार स्वप्न दोष हो रहा हो, महीने में 8 बार, 10 बार, 5 बार, और किसी महिला की वजह से हो रहा हो, सपने में कोई महिला आती हो आपके साथ संभोग करती है और आप अस्खलित हो जाते हैं और बार बार ऐसा हो रहा है, तब भी आप समझ लीजिए आपको किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है, आप किसी चुड़ैल के बस में हैं। तो आप इसका जल्द ही इलाज कराइए, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको, आपका दोहन कर रही है। तो ये संभोग अगर हो आपके साथ बार बार, कोई सेक्स करे, कोई महिला हो या लड़की हो या पुरुष भी स्वरूप में दिख सकती है, तो समझ लीजिए चुड़ैल है। अगर पुरुष स्वरूप में दिखे तो समझ लीजिए पिशाच है। और अगर कोई महिला आपको सपने में दिखती है बार बार, वो अपने साथ में एक छोटा बच्चा लिए हुए है, बच्चा किसी के आकृति का हो सकता है, डरावना भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, अगर महिला आपको दिख रही है बार बार सपने के माध्यम से कि आपको एक महिला बच्चा लिए हुई है, तो ये आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। ये चुड़ैल के लक्षण है कि आप चुड़ैल से पीड़ित हैं, आपके शरीर में चुड़ैल का वास है या आपके घर में चुड़ैल का वास है या आपके ऊपर किसी ने चुड़ैल को भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको ये बात ये दिखे कभी सपने में कि कोई एक महिला है पेड़ पर बैठी हुई है और या कोई लड़की है पेड़ पर बैठी हुई है और उसको पीरियड्स आए हुए हैं, उसको आपको दिखेगा, जब भी ये सिम्टम्स होगा आपको दिखेगा कि उसको पीरियड्स आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आप चुड़ैल से पीड़ित हैं। जब कोई भी महिला पेड़ पर बैठी हुई दिखे और उसको पीरियड्स आए हों या पेड़ पर वैसे भी दिखे, तो समझ लीजिए कि आपको किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। और अब ये आपको, जैसे आप जब ये जागृत अवस्था के कुछ आपको हम लक्षण बता रहे हैं कि जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं, तब जैसे कि आप जैसे जब दिन में हैं, आप कहीं जा रहे हैं या कहीं भी घर पे बैठे हुए हैं, एकांत में हैं, सुनसान स्थान पे हैं, एकदम आप बंद कमरे में हैं, वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको कुछ आभास हो कि कोई दुर्गंध है या कुछ कोई वैसा चीज़ है, तब आपको ये लक्षण से समझ में आ जाएगा कि आपको चुड़ैल ने पकड़ रखा है।
अगर कहीं आप जा रहे हो या घर पे हो या किसी भी स्थान पे हो, एकदम स्वच्छ स्थान पे भी हो सकते हैं, आप अपने घर में भी हो सकते हैं, आपको 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए आपको खून की दुर्गंध आए कि जैसे कहीं खून सड़ा हुआ है, तो खून की दुर्गंध आए तो समझ लीजिए कि आपको किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप कहीं जैसे जा रहे हैं या एकाएक कहीं से आए, घर पे बैठे हुए हैं शांति से, कुछ नहीं, एकदम वहाँ स्वच्छ माहौल है, एकदम फूल लगे हुए महक रहा है, फिर भी आपको किसी के बाल जलने की दुर्गंध आने लगेगी, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड। अगर समझ लीजिए कि अगर बाल के जलने की दुर्गंध आपको आए महक, तो समझ लीजिए आपके साथ चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है। और इसके साथ चुड़ैल के साथ और भी शक्तियाँ होती हैं जो जुड़ी रहती हैं, बाल जब जलने का दुर्गंध आता है समझ लीजिए आप प्रचंड रूप से चुड़ैल के कब्जे में हैं, आपके ऊपर चुड़ैल की पूर्ण रूप से निगाह है, निगरानी है आपके ऊपर। और अगर कभी बैठे हुए हैं आप उसी तरह एकांत में या कहीं आ जा रहे हैं किसी प्रकार से, यात्रा कर रहे हैं या घर पर ही हैं, आपको कपड़े जलने की दुर्गंध एकाएक आए, सब कुछ नॉर्मल है फिर भी एकाएक कपड़ा की दुर्गंध आए 5 सेकंड 10 सेकंड या 3-4 सेकंड के लिए भी, उसके बाद दुर्गंध चली जाएगी। अगर कपड़े जलने की दुर्गंध भी आए 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, तो समझ लीजिए आपके साथ चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है और आप चुड़ैल से पीड़ित हैं। अगर आपको किसी महिला की आकृति, जैसे आप सो रहे हैं एकाएक आँख खुली, आपको किसी महिला की आकृति दिखने लगी, महिला जैसी आकृति दिखने लगी, काली सी छाया सी दिख गई, तो समझ लीजिए ये भी चुड़ैल के ही लक्षण हैं। और चुड़ैल का सबसे खतरनाक सिस्टम ये होता है, अगर किसी घर में चुड़ैल ने किसी को कब्जा कर रखा है, अगर कोई महिला है तो वो बेहोश हो जाती है, बार बार बेहोश हो जाना। अगर आपके घर में भी ये लक्षण दिखाई दे, ये सिम्टम्स हैं, अगर कोई लड़की है और बार बार बेहोश हो रही है जो है, और कोई महिला भी है अगर बेहोश हो रही है, अगर उसका बेहोश होने के बाद उसके दांत बैठ जा रहे हैं, दांत उसका मुंह नहीं खुल रहा है, बार बार वो बेहोश हो जाती है, उसका मुंह नहीं खुलता, तो ये समझ लीजिए चुड़ैल ने उसके शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। तो ये कुछ लक्षण हैं। और जैसे आपके घर में चुड़ैल होने के क्या लक्षण हैं, जैसे कभी कभार आपके घर में एक छनकती सी पायल की आवाज़ थोड़ा सुनाई देगी 2-3 सेकंड के लिए, छम में से सुनाई दिए एक हल्का घुंघरू टाइप से, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई, तो समझ लीजिए अगर पायल की ऐसी आवाज़ सुनाई दी तो आपके घर में चुड़ैल का वास है। अगर घुंघरू की हल्की आवाज़ सुनाई दी, एकदम हल्की सी, सिर्फ 2-3 सेकंड या 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं सुनाई देता, अगर घुंघरू की आवाज़ या पायल की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे, तो समझ लीजिए आपके घर में भूत प्रेतों का वास है और चुड़ैल का वास, उसमें चुड़ैल का वास प्रथम माना जाता है। अगर कोई महिला आपको सफ़ेद साड़ी में दिखे, चाहे स्वप्न के माध्यम से दिखे और चाहे आप वैसे घर पे रहें वैसे एकाएक दिख जाए, सफ़ेद साड़ी में कोई भी महिला दिखे स्वप्न में या वैसे आप बैठे रहें, कभी कभार ये वैसे भी चीज़ें दिख जाती हैं, तो समझ लीजिए आप चुड़ैल से प्रभावित हैं और आपको घर में चुड़ैल का वास है। तो इन सब चीज़ों से हर व्यक्ति अपने जीवन में जान सकता है कि चुड़ैल का वास है उसके घर में, उसके ऊपर चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति से परेशानी है कि नहीं है। और बहुत से गुप्त भी लक्षण हैं जो वो परीक्षण के बाद ही पता चलते हैं, लेकिन ये सामान्य लक्षण हैं जो आप इन लक्षणों को जानने के बाद आप स्वयं किस श्रेणी की आत्मा है आपको पकड़े हुए है या किस श्रेणी की आत्मा से आप पीड़ित हैं या स्वयं भी जान सकते हैं। ये चुड़ैल के जो भी लक्षण हैं आप सब में अगर हों तो आप सब सावधान हो जाइए, किसी भी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बंद कंट्रोल करते हैं उनसे मिलिए या कोई भी तांत्रिक घोड़ी से मिलिए, किसी से भी मिलिए, इसको जल्द से जल्द ठीक करिए, नहीं तो आप बहुत सी परेशानियों में पड़ जाएंगे। तो ये चुड़ैल के लक्षण हमने आपको जो बताए, अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो सावधान हो जाइए, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के शरण में रहिए, भजन पूजन कीजिए, माता रानी की उपासना कीजिए, माँ योग माया के शरण में रहिए आदिशक्ति के। और हमारे द्वारा अगर आपको सब जानकारी अच्छी लगती है जो हम देते हैं, तो चैनल को हमारे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप तक पहुँचे प्रथम पहुँचे, और आप अपने जीवन में इसका लाभ लें और इन सब चीज़ों से आपकी दूरी बनी रहे और प्रभु के शरण में रहें, उनका भजन पूजन करते रहें। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।